ऋषि, ये नाम जो अब तक बचे बच्चे को याद हो चुका होगा, पर अब तक ना ही इस नाम का असल शख्स पुलिस के हाथों लगा है और ना ही किसी के सामने आया है, पर लगातार ये अपने एजेंट्स द्वारा संपर्क के तहत चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, एक बार फिर मुख्य तौर पर ताजबाग और शहर के कई क्षेत्रों के लोगों के साथ महाठगी करने वाले महाठग मुख्य कर्ता धरता राजिक कुरैशी का एक और ऑडियो क्लिप सामने आया है, जहां इस बार राजिक फिर एक बार अपने किसी अन्य एजेंट से बात करता है, उसे दिलासा देता है और खुद को महान दानी, लोगों की भलाई करने वाला, लोगों का मसीहा बताता है। खुद आप ही सुनिए राजिक की पहाड़ों जैसी अकड़ और बड़ी बड़ी बातें। मैं बताऊं तुम्हारे को, मैं इतना बचा हुआ क्यों और मैं इतना अलर्ट क्यों रहता हूं कि कोई कहीं पे भी जा रहा, पर भी मेरे को झट डर नहीं लगता, क्यों पता है? क्योंकि मैंने कभी किसी के भरोसे सुपरत में पैसा छोड़ा ही नहीं, और जितना सुपरत में पैसा छोड़ा था वो जनता में बटा डाला। समझ रहे हो कि नहीं? और मैं अभी जैसे तुम लेने आए थे तो तुम लेट क्यों हुए मालूम है? कि मैंने सामने वाले को बोला, मैंने उतनी बिटकॉइन उसके इसमें ट्रांसफर किया, अगले वाले ने उतना मालूम है क्या? मैंने उसको एक बीस ट्रांसफर किया, उसने अगले वाले ने मेरे को 1,08,00,000 रुपए दिया। अच्छा, कितने रुपए दिया? 12,00,000 रुपए कमीशन रख लिया। हाँ, ऐसे एजेंट मेरे को पटपट पटपट मिल जाते थे, पहले मैं खुद ही अपना एक एजेंट था। समझ रहे हो कि नहीं? सेविंग वाले मेरे को मिल रहे हैं आज भी, ऐसा नहीं है, लेकिन 10,00,000 रुपए वाले को लेके मैं अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उसको दूं क्यों? एक बार पैसा लेगा या देगा, लेकिन बाद में मेरी वो अकाउंट की देगा, जैसे कि अभी ये हुआ, करोड़ रुपए मेरे बैंक के अकाउंट के खाते में अभी भी हो गया ना, बिल्कुल। तो अब मैं भरोसा कर भी लूं किसी पे तो क्या होता है, मैंने ये पहले भुगत चुका हूँ, मैं कैसे भरोसा करूंगा यार? ये लोग गवाह समझते कि मेरे को बेदा समझते? नहीं नहीं नहीं, बात सही है तुम्हारी, पब्लिक क्या समझे बॉस? बॉस क्या यार, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बताऊँ? बोलो ना बॉस। इनको देने के बाद में भी तुम्हारे को मैंने क्या बोला, मकान दिलाऊंगा तुमको, मैं जो बोलूंगा वो तुम मेरा काम कर देना, मैं तुम्हारे को नहीं, अगर मकान दिलाऊंगा तो बोलना, मैंने अपने वादे में अधूरा नहीं हूँ। क्या बोला, मैं गरीब नहीं हुआ हूँ, डबल ही लेना, लेकिन मेरा जान मत खाओ। हाँ बॉस, पगला बना दिया, बाल बच्चों को भी नहीं देख रहे मेरे, बोल रहा भी वो छोटे छोटे बच्चे रहे, मैंने डाव लगाया रहे तुमको पैसे वाला बनाने के लिए अपनी जिंदगी का, फिर भी नहीं समझ रहे यार बॉस क्या बोल रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ बॉस, तुम तुम्हारे बच्चों की फिक्र मेरे भरोसे पे छोड़ दो, सबकी फिक्र छोड़ दो और अपनी भी फिक्र छोड़ दो, बस तुम तो आलम मोहब्बत में संभालो, तुम्हारी जान का आ जाए उससे पहले मालूम है कि कौवे मेरा मांस नोच के खाए, मेरी जवान पे मेरा जवान का वजीफा भीगे। क्या बोला, कच्चे आदमी मैं हूँ नहीं। हाँ ना बॉस, समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ भाई, क्या बोलूँ, बोल ही नहीं सकता मैं, कहने कुछ अल्फाज ही नहीं है बोलने को, समझे? अब रही बात इसकी कि वो पुलिस वालों को बोला तुम ठंडे पड़ जाओ, वो रटपट काम कर रहा है। मैं भी वही बोल के आया, वो पुलिस थाने से। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इतने सारे लोग जो मेरे को फोन मार रहे हैं ना, इनको बोलो कि बॉस को फोन मत मारो रे, तुम्हारे चक्कर में बॉस ने दूसरा नंबर फोन ले लिया। हाँ, सही है ना, और ये नंबर को बंद करके अब मैं अपना काम कर पाऊँ, समझ रहा हूँ, और उससे फिर मालूम मेरा फोन बंद करने की वजह से गलत मैसेज जाता है, क्योंकि मैं काम के लोगों से मेरे को रोज बात करना है सामने, मैं अपना काम खत्म करता हूँ, मेरे को 11 बजे मेरे को मेरे एजेंटों से बात करना है, वो 4-5 लोग है जो मेन है, मेरे को अगर उनसे बात करने का मिलेगा नहीं तो उसमें मार्केट में खबर खबर जाती है, राइट। लेकिन इतने सारे लोगों के फोन करने की वजह से मेरे को फोन बंद करना पड़ता है। मैं क्या बोला बॉस, और एक बात सुनो मेरी, राजू शर्मा है ना जो पहचानते राजू शर्मा को तुम्हारे तरफ का, वो उन लोगों से कांटेक्ट थोड़ी देर पहले हो गए ना कांटेक्ट, कल मेरे को फोन डाला था, उनने बोले यार कांटेक्ट भी नहीं आ रहे, बोले क्या सोचेंगे आदमी, एक बार बोल दो ना, बोले कितना टाइम लगेगा क्या लगेगा, तो आदमी को दिलासा हो जाएगा, बोला भाई मेरे से कांटेक्ट नहीं है तो बात करता हूँ भाई, उसकी फाड़ी रहा था मैं। हाँ क्या हुआ, तुमसे तो बात किया ही किया, मिथुन से बात किया हूँगा। हाँ फिर मेरा दिमाग चटका, मैंने बोला मिश्रा जी, हाँ तुम समझो, मैं बड़प्पन है, मैंने तो तुम्हारे मारने की गोली तो पहले से निकाल चुका हूँ, और हिसाब अपने आरा के पीछे हो चुका है, ये मेरा बड़प्पन है कि मैं मित्रता कर रहा हूँ और तुम्हारे को समझ ले रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात तुम्हारे जबान से निकालना भी मत, मैंने बोला नहीं, मैंने बोला तुम्हारे आज इधर मेरे भी पीछे माता नहीं खोड़ रहे होते, मैंने बोला। सही, उसको समझाया प्यार से, हाँ ठीक है बोले, फिर मैं बोला ये मैं दे रहा हूँ, ये मेरा बड़प्पन है, क्योंकि तुम, मैं हर इंसान का दर्द समझता हूँ, पैसे का दर्द पैसा ही काम करता है, तेरी मेरी दुश्मनी बाद में समझ लेंगे, बिल्कुल है ना। लेकिन क्या, मैं बोला मेरा फोन बंद रहे कुछ भी रहे, लेकिन उसकी वाली है ना, अटरम से अटरम बातें नहीं करना, कर तो कोई कुछ भी नहीं सकता, उस दिन भी गए थे वहां पे, वीडियो भी बनाया सब कुछ करे, लेकिन करे क्या, वहां पे जो दो लेडीज थी वो सामने ही खड़ी थी,
कुछ नहीं होता, जवाब दे रही थी बिल्कुल सलाम दुआ कर रहा हूं उनसे बस। सुनो ना, वो लोग भी इज्जत में थे, अदब में थे, उनको मालूम है कि अपने लोगों के जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अग्रेसिव तरीके से डरे नहीं, नहीं डरे किसी की इज्जत करे नहीं, नहीं नहीं नहीं। और क्या तो वो लोगों को वो गलत फहमी है कि वो किसी ने किसी को चमकाया, वीडियो बनाने से कोई किसी को चमकाया नहीं, उनका दिमाग चटक था तो वो भी 100 नंबर डाल सकते थे। बिल्कुल मालूम है, वो मेरे भाजी का ससरा कारे मोरे का असिस्टेंट है, पता लगाओ उससे नहीं, तुमसर में विधायक था, तुमसर में कारो मोरे उसका असिस्टेंट है, वो 2 मिनट में पुलिस बुला सकता है। लेकिन मैं ना वो उस दिन भी बाजी है भाई अब्बू को लेके जा रहे थे, अच्छा। तब भी मैं पुलिस बुला सकता था, लेकिन मैं लोगों की बेइज्जती खुद नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल, क्यों, उससे मार्केट में गलत मैसेज जाता है कि यार भाई ने अपना पलड़ा झाड़ लिया। हाँ। अब भाई की नियत साफ साफ समझ में आती है, पुलिस पुलिस वाला बुला लिया है, मतलब ये देना नहीं चाहता। राइट राइट, समझ रोकनी बॉस, बिल्कुल ना डेरिंग से। हाँ अरे बॉस, मेरा फोन बंद भी रहा ना, तो तुमने बिल्कुल फोन आएगा बॉस का। और मैं क्या बोला, ये मैं ना आखिरी यार मालूम है कि मेरे को भी ये सरदर्द झेल के नहीं होता, खुदा कसम मैं बता रहा हूँ यार। मैं यार बहुत आत्महत्या करने के चक्कर में था, यकीन मानो मेरा ईमान से बोल रहा हूँ तुमको, समझे, इसलिए तुमको पूछ लिया अभी बॉस क्या हुआ। सहीम भाई मैं क्या बोला, तुम्हारे छोटे छोटे सबके, तुम्हारी, मेरे माँ बाप की और मेरे सपनों की और मेरे आने वाले वक्त की जिंदगी की कसम यार, बस समझ रहे हो, भरोसा यार बॉस। तुम भी जानते, तुम्हारे बच्चे का आधा आलम तो तुम खुद ही संभाल लेंगे, लेकिन मैंने तुमको क्या बोला हूं कि तुम वो भी मत संभालो, मेरे भरोसे छोड़ो, बाद में करूंगा मैं जो करना है। समझ रहे हो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन तुम ना मालूम है क्या, एक अच्छे दिन के लिए और मेरे साथ में बैठे रहने के लिए, चिलम लगाने के लिए जिंदा रहो, क्योंकि जिस दिन मेरे साथ में चिलम बनाएंगे ना, उस दिन तुम क्या बात करेंगे, तो फिर वापस 147 वाली अपनी बात आ जाएगी, लूट नहीं लेना, उसके बाद में ऐसे हरे दिन वापस आ जाएंगे बॉस, पक्का तय। और ये जितने लोग बात कर रहे ना फहीम भाई, तो तुम बोलेंगे अबे, फिर तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें चालू हो जाएंगी, फिर मौज मजा आने लगेगा, फिर दूसरे लोग मिलेंगे अबे तू क्या बताएगा, मैं ऐसा, मेरा ये ऐसा, मेरा बॉस ऐसा, तुम एक दिन ये बोलते नजर आएंगे, टेंशन मत लो, आज ये गुर्बत है ना, वही बोल रहे हैं बॉस, देंगे यार पैसे देंगे, वो ऐसे मैंने हमारे भरोसा नहीं करे उन पे भाई, ऐसा नहीं है सब, आज भी बोल रहे हैं यार वो ऐसे, लेकिन क्या है, बहुत जिंदगी से डर लगने लगा है। नहीं फहीम भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, जिंदगी से डरना मत, मेरे खातिर क्या, मैं बोला तुमको, मैंने बोला था ना ये महीने की एंडिंग है, 30-40 दिन, तो 30-40 में से समझ लो 10 दिन तो निकल ही गए मोटा मोटा, 30 दिन बचे, 30 दिन में भी 30 दिन भी मत पकड़ो, 25 दिन पकड़ो, 25 दिन में पूरे राहत हो जाएंगे, क्यों पता है, अगर चंद 20-30% पैसा नहीं भी बटा होगा, हाँ बोलो, लेकिन 70% जब बढ़ जाएगा थोड़ा थोड़ा, जिसका 1 लाख है उसको 70 मिल गया, वहां 30 अगला इंस्टॉलमेंट विड्रॉल होगा तब आना लेने, उसको पता चल जाता है ये 30 भी आएंगे भाई, 70 आ गए तो 30 भी आएंगे, पूरी राहत हो जाती है बॉस, बॉस वही हो जाए तो बहुत है यार, हो जाएगी, हो ही नहीं, मैं क्या बोला, मेरे साथ में देर होती जरूर है लेकिन सवेर होती है मेरी, मैं क्या बोला, मैंने किसको, दिलीप को वादा किया था कि दिलीप तुमको एक दिन रईस आदमी बनाऊंगा, कार से घुमाऊंगा, तुमको बताया था कि तुम्हारे 13,50,000 रुपए वसूल करवा दूंगा, अन्ना को बोला तो उसकी लड़की की शादी करवा दूंगा, हर वो काम मैंने जो बोला हूँ वो हर काम मुकम्मल होगा, जैसा खुदा के घर में देर है पर अंधेर नहीं, वैसे ही मेरा भी घर है बाबा, आज का दुआ मांगो तो आज के आज में गरीबी दूर नहीं होती, नहीं होती है, सही है ना, समझ रहे हो कि नहीं, दुआ मांगने वाले के कलेजे में सबर होना, बेसबरा शैतान होता है, जब तक लोग शैतान है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सही बोले, जब तक दिल में खुदा नहीं बिठा लेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। इस ऑडियो क्लिप में राजी की बड़ी बड़ी बातें और इन बातों के छोड़े गए बड़े बड़े धुएं के गुब्बारों से यकीनन उन लोगों का खून खौल उठ रहा होगा जिनके खून पसीने के पैसों को लेकर आरोपी फरार होकर अय्याशी कर रहा है। पर इस बात का आरोपी राजी को जरा भी पछतावा नहीं, बल्कि अभी भी उसमें अकड़ बाकी है, जो कि उसकी आवाज उसकी बातों से साफ जाहिर हो रही है, जैसे कि रस्सी जल गई हो पर उसका बल ना निकला हो। वैसे ही लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ने के बाद भी राजी की अकड़ और उसका अहंकार को रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा है। पर अब भी वही सवाल, आखिर कब तक इसी तरह कहीं छिपे बैठकर आरोपी मासूम लोगों का चैन और उनकी नींद गारत किए रहेगा? आखिर कब इस मामले का हल होगा और लोगों को कब इंसाफ मिलेगा? अब इस मामले में देखना यह होगा कि इन सवालों के जवाब कब तक लोगों को मिल पाते हैं या पुलिस कब तक आरोपी का पता लगा लेती है। इस मामले से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए BCN न्यूज़।